हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत जो गए। आज भी यार मेरे पास बहुत सारी गेमिंग कम्युनिटी की न्यूज है यार, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड ऑल्सो अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार, इससे मेरे को थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है। एंड बात कर लेते हैं अपने पहली न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं लेजेंड एक्स के बारे में। तो कल के दिन में यार लेजेंड एक्स का जो यूट्यूब चैनल है वो हो चुका था हैक। एंड ऑल्सो यार वो कुछ ही देर में वापस भी आ गया, तो उसके बाद में अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हैं जिसमें वो दिखाते हैं। एंड ऑल्सो लिखते हैं वी आर बैक। एंड ऑल्सो यार वो मेंशन भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को एंड ऑल्सो यूट्यूब इंडिया को भी। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं सरदार जी के बारे में। तो क्या यार माइट भी सरदार जी ज्वाइन करते हुए देखेंगे हाइड्रा ई स्पोर्ट्स को। तो इसी से रिलेटेड यार वो अपने इंस्टाग्राम पे क्यू एन ए कर रहे थे, उनसे यही पूछा जाता है हाइड्रा सरदार जी कब। तो इसके बाद में वो रिप्लाई करते हैं, अब ये तो डेंजर क्लैशर एंड डायनमो ही बता सकते हैं। तो तुमको यार क्या लगता है, तुम्हारे पर्सनल थॉट्स क्या है कि मैं सरदार जी माइट भी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे हाइड्रा या फिर नहीं। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं शिवानंदी भाई के बारे में। अभी यार तुम्हें पता होगा मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि क्या कुछ अवार्ड सेरेमनी वगैरह का सीन वगैरह चल रहा है शिवानंदी भाई के साथ में। तो यार एक चीज और भी शेयर करते हैं स्टोरी पे शिवानंदी भाई, जिसमें वो लिखते हैं ऑडियंस इज ग्रेटर देन ज्यूरीज। एंड इसमें वो ई स्पोर्ट्स फोरम का एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें तुम लोग देख पा रहे हो कि बेस्ट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन साउथ एशिया 2021 में जो स्काई स्पोर्ट्स लीग 2021 थी यार, वो 63% वोटिंग मिला था। एंड ऑल्सो जो अभी लोगों का चल रहा है एंड पेंटा इन्विटेशनल वगैरह का, उसको 9% ही मिला था। तो यही चीज वो बताना चाहते हैं यार कि ऑडियंस जो है वो ज्यूरीज से ज्यादा ग्रेटर है। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो यार बात कर लेते हैं एक बहुत ही जबरदस्त लीक के बारे में। तो एक अपडेट्स के साइड से हमें एक लीक मिला जिसमें बताया जाता है कि दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बीजीएमआई लाइनअप बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। तो तुमको क्या लगता है यार कौन सी वो लाइनअप्स हो सकती हैं। एंड ऑल्सो मेरे को एक हिंट भी मिला है कि यार उन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्टार्टिंग नेम ई से स्टार्ट होता है। तो तुमको क्या लगता है, गेसेस वगैरह कमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन अ नेक्स्ट वीडियो। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल की दो और टीम्स के रीजनल रैंकिंग्स के बारे में। तो साउथ एशिया एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया दोनों के यार रीजनल रैंकिंग्स बाहर आ चुकी है, जो कि तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर इस समय खड़ी है। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगेन यार सरदार जी के बारे में। अब सरदार जी के क्यू एन ए में यार उनसे ये भी पूछा जाता है कि फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर इन इंडिया, तो वो बोलते हैं यार द बेस्ट एंड मोस्ट एंटरटेनमिंग 8-bit गोल्डी। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं यार बीजीएमआई के एक और प्लेयर के रिटायरमेंट के बारे में। जैसे कि यार तुम लोगों को पता है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं बीजीएमआई के वो लीव करते हुए दिख रहे हैं हार हमें ई स्पोर्ट्स सिनेरियो से। तो एक और प्लेयर है यार अब्रार के नाम से, और ऑल्सो तुम बीएमओसी देखे होगे तो तुम्हें पता होगा कि अब्रार कौन है। तो इन्होंने भी यार लीव कर दिया है, उन्होंने इतने इंस्टाग्राम पे की स्टोरी भी डाली थी जो कि तुम अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं टीएसएम के आईजीएल के बारे में। तो यार टीएसएम का आईजीएल भी कंफर्म हो चुका है। एंड ऑल्सो जब टीएसएम के निंजा जो है क्यू एन ए कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उनसे यार ये पूछा जाता है इफ गेम कम बैक हु विल बी द आईजीएल ऑफ टीएसएम। तो वो यार कंफर्म करते हैं टीएसएम बर्नॉल, एंड ये चीज कंफर्म हो चुके हैं। एंड अगर चेंजेस वगैरह कुछ होंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड ऑल्सो निंजा ने एक और भी क्वेश्चन का रिप्लाई किया जिसमें उनसे पूछा जाता है हु इज योर इंस्पिरेशन प्लीज मेंशन में दोस्तों को जलाना है, जिसमें यार वो बोलते हैं स्काउट ओपी एंड ऑल्सो जॉनाथन गेमिंग। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात कर लेते हैं यार प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स अकेडमी प्रोग्राम के बारे में, जो कि यार आया है क्लाउड ई स्पोर्ट्स के साइड से। एंड इसमें बहुत सारी चीजें यार अंडरडॉग्स प्लेयर के लिए एंड ऑल्सो जो भी न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए यार आई है। तो ये वाली वीडियो देख लो तुम लोग, एकदम तुम्हें कंप्लीट पता चल जाएगा ये क्या चीज है। एंड ऑल्सो यार तुम क्लाउड स्पोर्ट्स का ये कैप्शन भी पढ़ सकते हो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कुछ तुम्हें फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। एंड आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो बात करते हैं स्काउट भाई के बारे में।
अब स्काउट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा अ लॉट ऑफ फेक स्टफ्स अराउंड। तो तुमको यार क्या लगता है कि ये स्टोरी किसी के लिए थी या फिर एक नॉर्मल स्टोरी है? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे क्या कुछ ओपिनियंस है। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं वैक्से के बारे में। तो क्या यार हमें वैक्से माइट भी दिखेंगे दुबई के अंदर में शिफ्ट होते हुए? बिकॉज यार तुम्हें पता है कि स्काईलाइट्स गेमिंग को वैक्से ने लीव कर दिया था एंड ऑल्सो उन्होंने बोला था कि वो इंटरनेशनली ट्राई करेंगे भी। तो सोमराज यार जब रिसेंटली लाइव आए तो उन्होंने बताया कि उनको भी यही लगता है कि वैक्से शिफ्ट होने वाले हैं दुबई के अंदर। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। हम तो पहली बार सुन रहे हैं वैक्से क्या कर रहा है अभी, हमको भी 100 साल से दिखा नहीं वैक्से, बट हम सुने दुबई में वो ट्राई कर रहा है शायद। ये रूमर है कि नहीं पता क्या है, बट हम सुने कि दुबई का कोई टीम में ट्राई कर रहा है, बट दुबई में लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा उसको। एडल्सो सोमराज ने बात करा बीजेएमआई के अनबैन से रिलेटेड कि कब तक हमें बीजेएमआई देखने को मिलेगा वापस से। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बीजेएमआई का कुछ बता दो ब्रो। मेरे को ज़ायपेक्स बताया कि लेट हो रहा है और लेट पे लेट हुए जा रहा है, तो अक्टूबर तक जा सकता है। तो बस यार अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।